सो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ, दोस्तों आज का ये वीडियो एक मतलब आप सबके लिए, एक यंगस्टर्स के लिए और जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स हैं जो भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे होंगे जहाँ तक की, तो दोस्तों आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंड्स कि एसएससी की तैयारी के लिए क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है और हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है कर्मचारी चयन आयोग। इसका मुख्य जो संस्था है वो कहें तो नई दिल्ली में ही स्थित है, लोधी रोड के पास। तो दोस्तों ये है आपका एसएससी, जो कि 10+2 लेवल, जिसको हम कहते हैं सीएचएसएल का एग्जाम देना पड़ता है। इसमें टायर 2 होते हैं। हाँ, टायर 1 आपका प्री, या हम कह सकते हो आप, हाँ, जिसमें कि 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग। और जो दोस्तों टायर 2 होता है, यानी सेकेंड टायर, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपको 50 मार्क्स का एसे और 50 मार्क्स का लेटर राइटिंग पूछा जाता है। और दोस्तों ये तो हो गया आपका 10+2 लेवल के लिए एग्जाम का, ठीक है, जिसको कहा जाता है सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि संयुक्त हायर बोले तो मतलब उच्च माध्यमिक सेकेंड, संयुक्त हायर सेकेंडरी स्तर के ऊपर यह परीक्षा ली जाती है, जो कि 12th वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। तो इसमें 2 टायर होते हैं, जिसको आप जब आप दोनों टायर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपके आपको जो है फाइनली डॉक्यूमेंटेड जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी जो आधार कार्ड है, प्रूफ है, जो भी है, उसको लेके आपको एसएससी के यहाँ पर मतलब एसएससी की बिल्डिंग में जाना पड़ता है और आपका सारा डॉक्यूमेंट वहां पे उनके जो भी अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा वहां वेरीफाई कर लिया जाता है। और जब आप इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हो और जब आपका ये वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का पूरा हो जाता है, तो दोस्तों आपको जो आपने फॉर्म मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो दोस्तों आपको वो पोस्ट मिल जाती है और आप जो है भारत सरकार के अंतर्गत एक सरकारी पद पर नौकरी करने के लिए योग्यता पूर्वक कार्य करते हैं और आप भारत सरकार के एक नियमित रूप में एक कर्मचारी के तौर पर आप बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था आपका दोस्तों 10+2 लेवल का एग्जाम जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीजीएल की, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। इसका नाम है इंग्लिश में, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है मेनली, तो अभी तक तो जो ट्रेडिशनल मोड में जो एग्जाम, सॉरी ट्रेडिशनल मोड नहीं कहेंगे इसको, सीबीटी, सीबीटी कहा जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपको एसएससी एडमिट कार्ड के थ्रू आपको बताता है कि हाँ आपको इस डेट को आपका इस एग्जाम जो है आपका ये वाला एग्जाम इस शिफ्ट में इस टाइम पीरियड में जहां आप रहते हैं, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं तो मेरा सेंटर दिल्ली में पड़ेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली फिलअप करूंगा एग्जाम फॉर्म, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म में। तो दोस्तों आप जहां के भी रहने वाले, आप जहां भी रहते हैं, तो आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उसके बेसिस पे आपका जो है एसएससी एडमिट कार्ड इश्यू करता है और करता ही है नॉर्मली। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है और हमें कौन सी बुक्स इन दोनों एग्जाम के लिए फॉलो करना चाहिए। आपका फर्स्ट हो गया सीएचएसएल, सेकेंड हो गया सीजीएल।
तो जो सीजीएल है वो ग्रेजुएट लेवल के बेसिस पे एग्जाम सीजीएल का होता है। और तो दोस्तों इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी का एग्जाम किस प्रकार से होता है और हमें कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए और हाँ किस प्रकार से स्ट्रेटजी होनी चाहिए तैयारी करने की। और दोस्तों एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स क्या बोलूं मैं, मेरा भी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या टिप्स हैं और मैं बोलूं तो दोस्तों क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितने घंटे डेली स्टूडेंट्स को नॉर्मली पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों आपको हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो लग सकती है, बट आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ आपको फुली मतलब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले दोस्तों आपको सीजीएल के बारे में थोड़ा सा इंट्रो बता दूं, मतलब इसका परिचय या इंट्रोडक्शन आपको कह लीजिए तो मैं दे देता हूं। तो देखो दोस्तों मेनली सीजीएल में तीन टायर होते हैं। फर्स्ट टायर होता है प्री आपका, जो कि आपका 200 मार्क्स का होता है। और दोस्तों आपका टायर सेकंड जो है इसमें आपका इंग्लिश और मैथ सेक्शन पूछा जाता है ओनली, जो कि दोस्तों इंग्लिश का वेटेज इसमें 200 मार्क्स का है और प्री में इंग्लिश का वेटेज 50 मार्क्स का है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का है पेपर 200 मार्क्स का शायद पूछा जाता है। और आपका बस ये तो हो गया टायर सेकंड। अब फिर बात करते हैं दोस्तों टायर थ्री की। तो टायर थ्री में दोस्तों वो सेम सीएचएसएल की तरह 50 मार्क्स का लेटर और 50 मार्क्स की राइटिंग, लेटर राइटिंग और 50 मार्क्स का ऐसे राइटिंग पूछा जाता है जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और ये जो होता है टायर थ्री पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होता है और आपकी ये कॉपी एसएससी के द्वारा इवेल्युएट की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो है ये बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक्स एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों जो सबसे पहला सेक्शन है वो इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों ये बुक्स मैं फॉलो करता हूँ, ये नीतू सिंह जो मैम है केडी पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों। इस बुक से आपको ग्रामर पढ़ने में बहुत ही हेल्प होगी और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों इंग्लिश के लिए जो सबसे पहला मैं प्रेफर बुक जो करता हूँ जिस बुक का नाम है केडी पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक वॉल्यूम 1 बाय नीतू सिंह। और यह है केडी पब्लिकेशन की बुक है जो ये नीतू सिंह मैम है केडी कैंपस में पढ़ाती हैं। तो दोस्तों आपको इंग्लिश को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और दोस्तों ये जो बुक है ये वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह की, जो नीतू सिंह मैम उनकी वॉल्यूम 1 वाली बुक है। तो दोस्तों इस बुक को आप ग्रामर के लिए फॉलो करें, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सबसे जो एक इंटरेस्टिंग बुक आती है वो है ये किरण पब्लिकेशन की। दोस्तों इस बुक्स में थोड़े बहुत एरर भी हैं, बट इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों इस बुक्स ने मतलब सालों से जितने भी अब तक दोस्तों पेपर हो चुके हैं सीएचएसएल सीजीएल सीपीआईओ सब इंस्पेक्टर जो भी पेपर हो चुके हैं, तो दोस्तों सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस पर्पज से भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोस्तों इस बुक की ये खासियत है कि इसने देखिए आप देख सकते हो, एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं अच्छे से, दोस्तों एक सेकंड। हाँ देखिए दोस्तों इसका जो कंटेंट है इसने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। सबसे इसका जो सबसे बड़ा फीचर्स है आप ये कह सकते हो इसने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। इस बुक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है और मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश के लिए खासकर वो इसी बुक्स को फॉलो करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड फॉर प्रिपरेशन के लिए, मतलब इसी बुक से मेनली तैयारी की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो टाइप वाइज क्वेश्चन है इसको एक कंपाइलेशन एक मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका एसएससी के लिए जो इंग्लिश की बुक है वो एमबी पब्लिकेशन की। देख ली दोस्तों ये बुक थोड़ी मोटी भी है, ये किरण वाली बुक की तरह ही,
तो दोस्तों ये है, हाँ, अजय कुमार सिंह की, इस राइटर जिसमें जो आप देख सकते हो अजय कुमार सिंह राइटर की बुक है, और इस बुक में 166 सेट्स दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि पहले आप किरण को पढ़ें तभी इस बुक्स को पढ़ें, क्योंकि आप दोस्तों अगर सबसे पहले इस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप ग्रामर पढ़ें, जो मैंने आपको नीतू सिंह मैम की बताई, फिर किरण पढ़ें, और फिर किरण को कंप्लीट करने के बाद ये बुक पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे ये तो ब्रांडेड बुक है यार, मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा यार, मतलब आप में चेंज लाएगी यार ये बुक पढ़ोगे तो। और दोस्तों फिर आती है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो इडियम और फ्रेजेस होते हैं ये भी दोस्तों डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की बुक है ये दोस्तों। और मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, बट आप अगर सारा पढ़ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों इसमें बहुत सारे इडियम फ्रेजेस है, मतलब यार इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए गए इसमें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए दोस्तों मैं आपको दिखला देता हूँ। और मतलब दोस्तों इस बुक की एक खासियत है, ये जो एसएससी एग्जाम लेता है इसमें मतलब जो भी मतलब दोस्तों पूछे जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस इसमें सारे दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये बुक थी मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों साइनो एंटो की, तो साइनो एंटो के लिए ये बुक भी सेम राइटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की है, मिरर ऑफ साइन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो दोस्तों सिनोनिम एंड एंटोनिम्स जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है एसएससी की सीजीएल के लिए भी और एसएससी सीजीएल के इंग्लिश के लिए भी। तो दोस्तों मतलब आप ये बुक जो पढ़ोगे ये वाली बुक, तो दोस्तों इस बुक में मतलब समझ लीजिए दोस्तों इस बुक में 10,000 से भी ज्यादा मेरे को जहां तक लगता है साइनो एंटो है, बट दोस्तों मैं मुझे नहीं लगता कि सारा पढ़ना ये पॉसिबल है, बट आप जितना हो सके उतना आप पढ़ सकते हो। देख लीजिए दोस्तों ये बुक है, आपको दिखला दूं मैं, देखिए दोस्तों ये बुक ऐसी है, और ये सारी बुक दोस्तों मैं अभी कुछ ही दिनों पहले लेके आया हूँ। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो बुक्स है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश के लिए, ये एसपी बख्शी की बुक है, जो राइटर है हमारे एसपी बख्शी सर, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लगी बहुत अच्छी बुक लिखी है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों मतलब यार आपको तो पता ही होगा ये ब्रांडेड बुक है, दोस्तों अगर आप इन सारी इंग्लिश सारी बुक्स को फॉलो कर लेते हो इंग्लिश के लिए, तो दोस्तों आप मतलब इंग्लिश यार चेंज लाएगी यार, आप ये बुक पढ़ोगे तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि इसमें पहला चैप्टर है द फंक्शन ऑफ टेंसेज, इसमें सब पॉइंट है टाइम ऑफ एन एक्शन, टेंस का मतलब होता क्या है, स्टेट ऑफ एन एक्शन, मतलब पूरा आपको दोस्तों इसमें कंटेंट मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आपको मैं कंटेंट दिखला देता हूँ, पहले इसमें दोस्तों देखिए यूनिट वाइज दिया हुआ, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है, और इसमें पार्ट बी सी डी, एक सेकेंड, पार्ट बी सी डी करके दिया होगा। देखिए दोस्तों दोस्तों ये सारी बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और ऑफलाइन चाहे तो आप दिल्ली में रहते हो तो नई सड़क से जाके ले सकते हो, और आप कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब है मेन पढ़ने से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होता है, और बाकी अगर मुझे कोई बुक्स और अच्छी लगेगी तो मैं आपको जरूर इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों एसएससी में सबसे आसान जो क्वेश्चन होता है वो रीजनिंग का ही आता है, और ये किरण प्रकाशन की बुक है एसएससी की रीजनिंग की। देखिए दोस्तों इसमें आप देख सकते हो 9500 प्लस क्वेश्चन है, और दोस्तों इस बुक की यही खासियत है किरण प्रकाशन की कि यह एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं है, इस बुक की यही खासियत है। और सदियों से यह बुक, सदियों से तो नहीं मतलब हाँ कई सालों से इस बुक को स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं और टीचर्स भी प्रेफर करते हैं तैयारी करने के लिए रीजनिंग का, बट अगर आप ये बुक नहीं भी फॉलो करें और अगर आप सिर्फ दोस्तों अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं हाँ अगर आप किरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो तो दोस्तों ये बुक शायद पढ़ने की जरूरत ना भी हो, क्योंकि दोस्तों ये बुक्स आपको पूरा बट ये बुक्स आपको पूरा बेसिक बताती है शुरू से ही, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है जीके का सेक्शन। अब बात सॉरी
रीजनिंग का सेक्शन। दोस्तों मैं माफी मांगना चाहूंगा आपसे, मैंने बुक्स देख ली थी तो मैंने बोल दिया था। अब बात आती है जीके के लिए, क्योंकि बहुत ही वॉस्ट सब्जेक्ट है। मतलब आप दोस्तों जान के हैरान होंगे कि अगर आपने जीके पे सारा टाइम फोकस कर दिया तो दोस्तों आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये तीनों पे आपका कमांड कम हो सकता है और छूट सकता है दोस्तों। तो आप ये सोचिए दोस्तों, एक सब्जेक्ट के चक्कर में आप एक जीके को, मतलब इतना सब, जितना टाइम आप देखिए दोस्तों, जितना टाइम आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को देंगे उससे डबल टाइम या उतना ही टाइम सिर्फ आपको जीके पे देना पड़ेगा। तो जीके के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक मैं लूसेंट की मानता हूं। इसमें बेसिक चीजें हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों पतली बुक है, ज्यादा मोटी भी नहीं है। दो तीन बार अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर जाते हो तो आपका बेसिक तो पूरा क्लियर ही हो जाता है। अब जो दोस्तों बुक आती है वो है ये 9100 प्लस क्वेश्चन, वो है आपका सेक्शन मैथमेटिक्स का यानी गणित का। ये भी एक किरण प्रकाशन की बुक है। इसमें मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन अवेलेबल है सारे, इसने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, चाहे सीजीएल में एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, सीपीआईओ का, मतलब जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हो रहे हैं ऑनलाइन उसको छोड़ा नहीं है इसने। देखिए दोस्तों कितनी मोटी बुक है ये। अगर आप इस पूरे बुक को बना लेते हो तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आपका मैथ बहुत ही बेटर हो सकता है एक बिगनर के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बिगनर की बात करूं तो बिगनर के अंतर्गत मैं भी आता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी अब एसएससी की प्रिपरेशन करना, मतलब एसएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हो चुका हूं और मैं भी प्रिपरेशन करूंगा। अब जो बात आती है दोस्तों अर्थमेट एडवांस मैथ की, जो कि बुक है राकेश यादव सर की। दोस्तों ये जो बुकें हैं मैथ्स की, ये दोस्तों ब्रांडेड, मतलब ब्रांडेड बुक है यार। मतलब आप इसको कर लेते हो तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों छूटता नहीं है। बस आप पैटर्न वही होता है, बट आप जो क्वेश्चन का बेसिक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चीज आपको इससे क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका एडवांस मैथ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अर्थमेटिक की। दोस्तों मैं पहली बात बता दूं, मैं हिंदी मीडियम से हूं तो मैं हिंदी मीडियम की बुक फॉलो करता हूं। तो आप, मैंने इंग्लिश में बता दिया अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक को हिंदी में कहा जाता है अंकगणित बाय राकेश यादव सर। दोस्तों मुझे थोड़ा अर्थमेटिक में प्रॉब्लम होता है अंकगणित को सॉल्व करने में, इसलिए मैंने ये बुक किसी अपने सीनियर भैया या बोले तो सीनियर फ्रेंड्स के सजेशन पे लिया, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी यह बुक बहुत, ये सारी बुकें, जितने भी मैंने बुक्स बताई आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए अपने पर आपको, मतलब इस तैयारी, इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए स्ट्रेटजी की जहां तक बात है, तो हम बात करते हैं कि जो आपका प्लानिंग एग्जाम को, मतलब आपको एक प्लानिंग डिजाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो आपको सीएचएसएल का सिलेबस डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के आप अपने पास रख सकते हैं कि क्या क्या सेक्शन है और क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आता है दोस्तों सीजीएल के लिए, जो कि सीजीएल के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और करूंगा। दोस्तों सीजीएल के लिए तो आपका हाथ 3 टायर होता है और सीएचएसएल के लिए 2 टायर होता है। तो सीजीएल के लिए आपको भी सीजीएल के लिए सिलेबस निकालना जरूरी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्ट्रेटजी के अंतर्गत आपको सबसे पहले तो सिलेबस होना चाहिए आपके पास, फिर ये सारी बुक्स होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों हाँ, इन बुक्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपने आपको सेल्फ, मतलब दोस्तों मत होता है ना कि अपने आपको एक प्रिपेयर करने में, मतलब अगर आप बिगनर हो, जैसे कि मैं एक बिगनर हूं, मैं शुरू से पूरा बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ूंगा। दोस्तों आपको ये बुक्स जितने भी मैंने बताया वो सारी बुक्स आपको, मतलब बहुत हेल्प करेगी तैयारी के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेंगी। अब दोस्तों स्ट्रेटजी में ये भी कई बात स्टूडेंट्स पूछते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है कि कितना घंटा पढ़े जाए। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, आप ज्यादा नहीं 8 से 10 घंटा अगर आप ईमानदारी से, मतलब पूरा कंसंट्रेट हो गया अगर आप फोकस के साथ हाँ अपने स्टडी करते हैं, तो दोस्तों आपका एग्जाम बिल्कुल आसानी से क्लियर हो सकता है। और इस एग्जाम को हैं क्रैक करने के लिए मैं मानता हूं किसी भी कोचिंग की
नीड नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी बंदे की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो आपको मोटिवेट रहने की, कंसिस्टेंटली है पढ़ाई करने के लिए, हाँ पढ़ाई करने की, और अपने आप को हमेशा बिजी रखने के लिए। तो दोस्तों 8 से 10 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम क्लियर आसानी से हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं जिनका वो मैथ्स इंग्लिश ये चारों सेक्शन जो मैंने बताया अच्छा होता है, तो दोस्तों वो तो ठीक है उनके लिए अच्छा है, बट जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो जम के तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब दोस्तों आपको कुछ लेना है, कुछ पाना है जीवन में, कुछ तो खोना पड़ेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी या फिलोसफी में शायद आपने पढ़ाई होगा कि निष्काम कर्म, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। ये दोस्तों हमने एथिक्स की बुक में ये चीज पढ़ा था जो कि श्री कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों ये था स्ट्रेटजी कि आपको डेली 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना ही करना है। आप इसमें मतलब समझिए कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, मतलब आपका एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे एसएससी क्यों करना है और मुझे इसको करने के बाद क्या मिलेगा, मतलब क्या आपको अचीव, मतलब आप क्या आप अचीव करोगे लाइफ में। तो दोस्तों आपका एक पर्पस क्लियर होना चाहिए सबसे बात, तो सबसे पहली बात। और आप किसी ऐसे व्यक्ति से ना मिलें जो आपको डिमोटिवेट करे, अगर आप डिमोटिवेट होंगे तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डिमोटिवेट करने से जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे आप दूर रहें, और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हो। आप सेल्फ स्टडी करें कंसिस्टेंट, मतलब 7 से 8 महीना जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता है तो मतलब कंसिस्टेंट रह के तैयारी करें, और मॉक टेस्ट भी लगाएं, किरण का जो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर सेट आता है उसको सॉल्व करें। और दोस्तों हाँ, आप ये मत सोचें कि हाँ मेरा टायर फर्स्ट तो निकल गया है, ऐसे ही मैं क्लियर कर लूंगा। और क्लियर जैसे दोस्तों अगर आपका हो भी जाता है तो चलो कोई नहीं, टायर 2 और टायर 3 तो बाकी है, तो ऐसा ना सोचे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया पहले के मामले, तो पहले के हिसाब से तो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दोस्तों अभी सीईटी का शायद गठन होने वाला है या हो ही गया जहां तक की, तो दोस्तों कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, तो आपको जम के तैयारी करनी होगी। अगर आपको ये जो 20 लाख 23 लाख बच्चे, 30 लाख 40 लाख बच्चे जो फॉर्म भरते हैं, अगर आपको उन 10,000 बच्चों में आना है जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो दोस्तों आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो दिन रात मतलब आपको समझ लीजिए एक कर देना है, सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। तो इससे आपकी ही नहीं आपकी पूरे फैमिली की भी लाइफ सेटल हो जाती है और आप एक मतलब अच्छे नागरिक के तौर पर समाज में कहे जाते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों मेरे जितने भी फ्रेंड्स और मेरे जितने भी कलीग्स और सब्सक्राइबर हैं उनको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स और भाई बहन हैं और या जितने भी मेरे कॉलेज के कलीग्स हैं उनको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा वो भी मोटिवेट हो और इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।